मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों सबों को जय मसीह की। मेरे दोस्तों, क्या आज आप लोग सचमुच प्रभु पे भरोसा रखते हैं? आप लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, या अपने आप को धोखा दे रहे हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु पे भरोसा रखते हैं, मेरा कोई नहीं केवल प्रभु ही है, लेकिन वो अपने आप को धोखा देते हैं। वे बोलते तो हैं कि हम प्रभु पे भरोसा रखते हैं, लेकिन असल में वो प्रभु पे भरोसा नहीं रखते। तो आइए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे प्रभु के वचनों के द्वारा जो प्रभु पे भरोसा रखता है वो क्या करता है, जो प्रभु से प्रेम करता है वो क्या करता है। हम वचन निकालते हैं यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या हम पढ़ते हैं 15। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। क्या आज आप लोग प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? आप अपने अंदर झांक के देखिए, क्या आप सचमुच प्रभु की आज्ञाओं पर चल रहे हैं? प्रभु के कहने को मानते हैं, प्रभु के बातों को मानते हैं, कोई भी पाप नहीं करते, एक दूसरे की मदद करते हैं? क्या आज आप लोग सचमुच में ऐसा कर रहे हैं? अपने जीवन में आप लोग झांक के देखें। यदि आप प्रभु के मार्गों पर चल रहे हैं, प्रभु के कहने को मान रहे हैं, प्रभु के वचनों पर चलते हैं, तो प्रभु के बातों को मानते हैं, तो आप लोग सचमुच प्रभु से प्रेम करते हैं। प्रभु का वचन ऐसा कहता है। मेरे प्यारे मसीह भाई, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हम प्रभु पे भरोसा रखते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जब भी कोई दुख समस्या आता है तो वो झाड़ फूक करवाने लगते हैं, अन्य देवी देवताओं के पास दौड़ने लगते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके चरण में उनके सामने घुटने टेकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई, जो प्रभु पे भरोसा रखता है वो क्या कहता है? प्रभु का वचन हम एक और निकालते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या हम पढ़ते हैं 18। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वे उसकी आज्ञाओं की अवज्ञा नहीं करते, जो उससे प्रेम रखते हैं वे उसके मार्गों पर चलते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाइयों, प्रभु का वचन क्या कहता है कि अन्य देवी देवताओं की आराधना मत करो, केवल एक ही परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, उसी की आराधना करो। और बहुत सारे लोग अन्य देवी देवताओं की आराधना उपासना करते हैं तो प्रभु उन पे क्रोध करते हैं। उतना करने के बाद भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम प्रभु पे भरोसा रखते हैं। ठीक है, ये बात अच्छी है कि आप लोग ऐसा बोलते हैं, कम से कम आपके मनों में तो है कि हम प्रभु पे भरोसा रखते हैं। यदि आप उन सारी गलतियों को किए हैं तो आइए और प्रभु से क्षमा मांगिए। प्रभु दयालु है और वो आप पर दया करेंगे, आपके हर एक पापों को क्षमा करेंगे। आप लोग आज के बाद फिर से ऐसा गलती दोबारा ना करें तो प्रभु आपको आशीष देंगे, आपको हर एक तरह से ब्लेस करेंगे। यदि मेरे प्यारे मसीह भाई, हमें गलतियाँ हर एक लोगों से होती है, लेकिन बड़ा वही है, धन्य वही है जो अपनी गलतियों को मानता है और प्रभु के पास लौट आता है। यदि आज आपसे भी गलतियाँ हुई है तो आइए प्रभु के पास लौट आइए और प्रभु से क्षमा मांगिए, प्रभु आपको क्षमा करेगा। और प्रभु पे भरोसा रखिए, प्रभु से प्रेम करिए, उनकी आज्ञाओं पर, उनके वचनों पर चलिए, तो आप सचमुच एक मसीही होंगे, प्रभु पे भरोसा रखने वाले होंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आपको इस वीडियो से कोई सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सबको जय मसीह की।